हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर ड्राई स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए और अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है तो उसको नॉर्मल करने के लिए एक बेहद असरकारक होममेड रेमेडीज लेके आई हूँ। बहुत ही असरकारक दवाई है, ये दवाई तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक नुस्खा है जिसको अगर आप अपनाते हैं तो 100% आप ड्राई स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किचन में हम जो मसाले यूज़ करते हैं उन सब के अंदर औषधीय गुण तो होते ही हैं, तो आज हम कुछ मसालों को मिक्स करके एक ऐसा मिश्रण तैयार करेंगे जिसको आप डेली खाना खाने के बाद दो दो चम्मच चबा चबा के खाएंगे तो आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम 110% दूर हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके पास में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारे नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। इस मिश्रण से आपको तीसरे चौथे दिन ही फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा और 15 दिन में आपको 50% रिजल्ट मिलेगा, ये 100% गारंटी है। कौन कौन सी चीज़ों का हमने यहाँ पर मिश्रण बनाया है, कितना कितना हमें लेना है, कैसे उसको हमें यूज़ करना है और कितने दिन तक हमें इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। इससे आपकी ड्राई स्किन प्रॉब्लम 100% दूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि इस मिक्सचर को खाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहला फ़ायदा है, ड्राई स्किन प्रॉब्लम दूर होगी। दूसरा, बाल झड़ना बंद होंगे, आपके हाथ पैर फटते हैं तो वो फटना बंद हो जाएंगे, पैर की एड़ी फटना बंद हो जाएगी, अगर आपके होंठ फटते हैं, अगर आपके चेहरे की स्किन पे रैशेस हो गए हैं, किसी भी तरह की ड्राई स्किन प्रॉब्लम है तो 2 चम्मच इस मिक्सचर को आपको खाना खाने के बाद चबा चबा के खाना है, अच्छे से चबा चबा के खाना है और इतना अच्छे से चबाना है कि इसकी जो रस है वो डायरेक्टली गले से नीचे उतरे और इसकी जो इफ़ेक्ट है वो फास्टली स्टार्ट हो। इसका ये मेन स्टेप है कि आपको इस मिक्सचर को चबा चबा के खाना है। ये इतना पावरफुल इलाज है कि 4th-5th दिन ही आपको इसका परिणाम नज़र आने लगेगा। ये मिक्सचर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस करता है और बिल्कुल नेचुरल वाला कैल्शियम हमें इस मिक्सचर से मिलता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इस मिक्सचर को अच्छे से चबा चबा के खाएंगे। इस मिक्सचर को खाने से आपकी अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बहुत बढ़िया नींद आने लगती है इस मिक्सचर को चबा चबा के खाने के बाद, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी नींद आती है। जीवन भर तंदुरुस्त रहने के लिए और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। इस मिश्रण से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपकी ड्राई स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस मिश्रण से आपको तुरंत ही कैल्शियम मिलना स्टार्ट हो जाता है और कैल्शियम हमारे ब्लड में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है और 4th day ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो चीज़ें हैं और कितनी कितनी हमें लेनी है। यहाँ पर हमें मेनली 4 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और वो है सफ़ेद तिल, जीरा, सौंफ और अजवाइन। यहाँ पर हमें सिर्फ सौंफ को ही सेका हुआ लेना है और बाकी की चीज़ें हमें कच्ची ही लेनी है। कौन सी चीज़ कितनी लेनी है और कितनी मिक्स करनी है और कैसे हमें उसको खाना खाने के बाद लेना है, ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमें जीरा 50 ग्राम लेना है, तिल भी हमें यहाँ पर 50 ग्राम लेने हैं, जो सौंफ है उसको सेक के लेना है और ये 15 ग्राम लेनी है और 5 ग्राम हमें यहाँ पर अजवाइन लेनी है। अगर आप इस तरीके की मेज़रमेंट नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपके पास स्पून मेज़रमेंट है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक बाउल में हम 3 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे, इस तरीके से भर के हमें 3 टेबल स्पून जीरा ऐड करना है। थ्री टेबल स्पून हम यहाँ पर वाइट तिल ऐड करेंगे, इस तरीके से भरे हुए हमें वाइट तिल लेने हैं 3 टेबल स्पून और यहाँ पर हम
सौंफ ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून हम यहाँ पर सौंफ का ऐड कर रहे हैं, और 1 टीस्पून हम यहाँ पर अजवाइन ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इन सभी चीज़ों को मिला लेना है। इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद एक एयरटाइट डब्बे में आप भर के रख दें, और खाना खाने के बाद इस तरीके से चम्मच भर के, हमें 2 चम्मच खाना खाने के बाद डेली लेना है, दिन को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, और अच्छे से इसको चबा चबा के इसको खाना है। अगर आप टीनेज के बच्चों को दे रहे हैं तो दोनों टाइम 1-1 चम्मच दें, और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए आप दोनों टाइम आधा आधा चम्मच दें। तो हमारा ये जो मिक्सर है वो रेडी है, और इसको आप एक एयरटाइट बोतल में भर के रख दें। फ्रेंड्स, तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया गया है, तभी तो सर्दियों में लोग तिल की आइटम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तिल की चीकी है और तिल के लड्डू, और अगर इसमें जीरा मिक्स हो जाए तो सोने पे सुहागा। कैल्शियम तो बनता है, साथ में आपकी पाचन क्रिया भी सुधरने लगती है, और यहाँ पर हमने जो अजवाइन मिक्स की है उससे भी आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है। सौंफ से पेट को ठंडक मिलती है और पित्त भी शांत होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करती है। हमने यहाँ पर जो ये मिक्सचर तैयार किया है और जो भी मात्राएं आपको बताई है, आपको उसी तरीके से लेना है और उसी क्वांटिटी के हिसाब से ही उसको लेना है, और मिक्स करके आपको इसका यूज़ करना है। जैसे ही आपकी स्किन नॉर्मल हो जाए, आप बताई गई मात्रा से आधी मात्रा कर दें दोनों टाइम। जैसे हमने 2-2 चम्मच बताए थे, आपको 1-1 चम्मच लेना है, और धीरे धीरे इसकी मात्रा कम करनी है। और आप इसको हमेशा ले सकते हैं, आधा आधा चम्मच आप इसको हमेशा खाना खाने के बाद ले सकते हैं। ये नुस्खा प्रयोग सिद्ध नुस्खा है, और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको ये होम रेमेडीज कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे।